बाकी जो लोग भी बस्ती से देख रहे हो भाई, एक एक चीज जरूर से कमेंट करके बता देना कि ये चीज सही है कि गलत है भाई। फोटो ब्लॉगर लोग के साथ ये दिक्कत हमेशा होता रहता है भाई, धूप में ब्लॉगिंग करने निकलते हैं और एक एक काम उनका खराब होता रहता है। लेकिन तुम लोग एक वीडियो देख के जज करने लग जाते हो यार, लेकिन ऐसे ना किया करो भाई कि एक पर्टिकुलर इंसान को इतना हेट दो, दूसरे इंसान को जो खुद अंडर एज है, जो खुद गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, खुद कार ड्राइव कर रहा है, खुद बाइक ड्राइव कर रहा है, अंडर एज होते हुए भी उसको इन्फ्लुएंसर अवार्ड बांटे जा रहे हैं भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन द चैनल। तो भाई आज वापस से आ गए तुम्हारा भाई पिंक पिंक में, पब्लिक के डिमांड पे। कल कुछ लोग बोल रहे थे भाई ये पिंक शर्ट अच्छा लग रहा है तुम पे, तो फिर हम सोचे चलो आज एक दिन और पहन लेते हैं भाई। तो अभी निकल रहे थे अपने बाइक लेके भाई कुछ काम करने के लिए, एंड रात को देखो भाई मेरी आंखें सूज गई है भाई धूप में। कल इतना ज्यादा मेरी आंख में दर्द होने लग गया था, चुभन होने लग गया था भाई, इतनी तगड़ी धूप निकल रही है यहाँ बस्ती में। हमारे 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है भाई, मतलब अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा 41 डिग्री सेल्सियस। अब आई डोंट नो इतना है भी कि नहीं है, लेकिन हाँ भाई धूप से फील हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी निकल रहे थे कुछ अपना ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए, शूट तो करना है भाई डेली ब्लॉग अपना, कैसे भी करके करते रहेंगे। जी ये देखो अपना इधर कौन खड़ा है, इधर है अपना आयुष, इधर है अपना गुल्ली भाई, ये है अपना गुल्ली भाई। गुल्ली भाई को बाइक सिखाए थे एक दिन, तुम लोग देखे ही होगे, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देते, मतलब बाहर रोड पे नहीं चलाता है, और घर में भी एक ही दो बार चलाया है लेकिन एकदम चला ले रहा भाई। हम लोग चाबी छुपा के रखते हैं भाई, ऐसे देते नहीं है कि चलाए घूमे फिरे। हाँ हाँ अभी इनको दे रहे भाई, अभी आज आप लोग को दिखाएंगे भाई कि ये चला रहा है कैसे चला रहा है, अभी आप लोग को दिखा देंगे आज की। बाकी कुछ लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे जो लास्ट वीडियो इसके साथ डाले थे ना भाई, अपना बाइक इसको जब सिखा रहे थे, तो कुछ लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे मुझे कि, मतलब मैसेज भी कर रहे थे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी कि भाई इतना छोटा है उसको बाइक मत सिखाओ, अभी अभी वो 18 साल का हो जाए तब फिर सिखाना, अभी से सिखा रहे हो गलत कर रहे हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे लोग। एक पॉइंट पे देखा जाए तो ये चीज़ गलत भी है, लेकिन अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये चीज़ सही भी है भाई। हर चीज़ इंसान को सिखाना चाहिए, विदेशों के वीडियो वगैरह देखते होंगे बाहर कंट्री के, वो लोग अपने बच्चों को जिस भी, मतलब जो भी चीज़ें उनको करानी होती है वो उस चीज़ को बचपन से ही प्रिपेयर कराते हैं। तो मैं तो सोचा इसको MotoGP वगैरह में भेजेंगे भाई, पहले मैं सोचा थोड़ा बाइक वगैरह सीख ले, अभी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इसको, एटलीस्ट नॉलेज हो जाए, आगे चल के तो चलाएगा ही कभी ना कभी। तो अभी से धीरे धीरे करके जब इंसान सीखता है ना तो उसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब इंसान अचानक से सीखता है बड़ा होकर सीधे अपना बाइक उठाता है तो उसके अंदर एक अलग टाइप का जोश रहता है, लेकिन जब इंसान एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है ना कि अभी चलो ठीक है अभी थोड़ा सीखा, फिर नहीं मिला चलाने के लिए, फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे करके चलाता है ना, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है, चीज़ फील करने लग जाता है भाई बाइक को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे तेज चलाना है, कहाँ स्लो चलाना है। जैसे तुम्हारा भाई भी कभी कभी तेज चलाता है, तुम लोग देखते हो, तुम लोग बोलते भी हो, जो कि सही बात है, तुम लोग का उस चीज़ को वैल्यू करता हूँ कि तेज नहीं चलाना चाहिए भाई, तेज किसी को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तुम लोग एक वीडियो देख के जज करने लग जाते हो यार। तो तेज तो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तुम लोग वीडियो पे ध्यान दिया करो भाई। मैं फास्ट अगर चलाता भी हूँ तो कहाँ पे चलाता हूँ, रोड एकदम से खाली रहता है, एक गाड़ी भी नहीं दिखाई देती भाई, तभी मैं स्पीड पे चलाता हूँ। कोशिश करता हूँ भाई कि मेरी ऑडियंस इनसे इन्फ्लुएंस ना हो। बाकी जो बच्चे मिलते भी है रास्ते में देखता हूँ, बहुत सारे हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, मैं उनको भी टोकता हूँ, तो वो चीज़ें तुम लोग को नहीं दिखाई देती है भाई, जो लोग नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो। बाकी अभी क्या बोलूँ भाई, तुम लोग की जैसी सोच है, लेकिन ऐसे ना किया करो भाई कि एक पर्टिकुलर इंसान को इतना हेट दो, दूसरे इंसान को जो खुद अंडर एज है और जो खुद गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, खुद कार ड्राइव कर रहा है, खुद बाइक ड्राइव कर रहा है, अंडर एज होते हुए भी उसको इन्फ्लुएंसर अवार्ड बांटे जा रहे हैं भाई, इसीलिए इन्फ्लुएंसर अवार्ड में भी हम नहीं गए। बाकी जो लोग भी बस्ती से देख रहे हो भाई, एक चीज जरूर से कमेंट करके बता देना कि ये चीज सही है कि गलत है भाई। एनीवेज आयुष को एक बार एक चक्कर लगवा देते हैं, आयुष को, आयुष यहाँ पे अपना खड़ा है, और भी बहुत सारी बातें करनी थी तुम लोग से तो सारी करते हैं। बाकी धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ धूप में ना निकलो भाई तुम लोग, अगर ज़रूरी ना हो तो। एंड अगर भाई तुम लोग हमारे फियरलेस फैमिली हो, जो लोग मिलने आते हो, देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कम से कम दो दो तीन तीन राउंड आते हैं भाई घर पर मिलने के लिए, स्टिकर वगैरह भी लेने आते हैं कुछ कुछ, तो भाई तुम लोग मत आया करो यार, धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप लग जाएगी। तुम लोग मैसेज वगैरह कर दिया करो, तुम्हारे गली से या फिर तुम्हारे घर के सामने से गुजरूंगा तो वहीं पे हम खुद मिल लेंगे तुम लोग से, लेकिन तुम लोग प्लीज ना आया करो बाबा, मेरी जान लोग प्लीज मत आया करो यार। मुझे तो कुछ नहीं गलत लगा भाई, यहाँ तक कि हम और राहुल उसको पकड़ के भी रखे थे कि ताकि सेफली चलाए, बाकी हेलमेट नहीं पहनाया था हमने, तो वो हमारी गलती थी कि हेलमेट हमें दे देना चाहिए था, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा ऐसे नॉर्मल थोड़ा सीख जाए चलाना, एटलीस्ट संभालना आ जाए उसको बाइक वाइक, तो हेलमेट देंगे तो थोड़ा सही से कैरी कर पाएगा। मैंने गेट से बाहर भी नहीं निकाला था आयुष को, ऐसे नॉर्मल बाइक चला रहा था आयुष। खैर छोड़ो, उस पर हम बातें नहीं करेंगे, अब सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो भाई कुछ लोग
तो आएंगे अपना नेगेटिव कमेंट वगैरह करना, लेकिन मैं अपने चैनल पे एक भी नेगेटिविटी नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं डिलीट मार देता हूँ भाई। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना भाई कि तुम्हारा भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो गलत करता भाई, जो जेन्युइन बंदे होंगे वही बताएंगे भाई। अभी तो हम डेली ब्लॉग इसलिए भी कर रहे हैं, तुम लोग को रीजन बता दे रहे कि ट्रेवल वगैरह जैसा कि तुम लोग जानते हो भाई, हम तो इतने ज़्यादा रईस फैमिली से तो आते नहीं, कोई मुगल साम्राज्य तो है नहीं हमारा, हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं भाई, तो हम पैसे जोड़ जोड़ के ट्रिप करते हैं भाई, पैसे बचा बचा के, कहीं इधर से बचा लिया, कहीं फ़ोन टूटा हुआ है तो उसमें भी पैसे ना लगाते हुए ट्रिप में लगा दिया, ऐसे ऐसे करके पैसे बचाते हैं भाई, तब जाके हम ट्रिप वगैरह करते हैं, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता भाई कि हर रोज़ ट्रिप करें, हर महीने ट्रिप करें, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब भी नहीं करते भाई, जॉब हमारी लगी भी थी तो हमने छोड़ दिया वो। तो कहीं ना कहीं YouTube का हमें जुनून है, YouTube पे ही कुछ करने का पैसन है हमारे अंदर, तो इसलिए हम सोचे इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसीलिए जॉब भी छोड़ दी, नहीं तो जॉब भाई करते तो आराम से ज़िंदगी हम भी जी सकते थे अपना, आराम से चाते खाते पीते सोते अपना, आराम से रोज़ सुबह जाते फिर हर महीने सैलरी उठाते, बस मौज काटते। लेकिन भाई एक इंसान अगर अलग कुछ सोच रहा है, अलग करने की चाह रख रहा है, तो कुछ लोग उसको पीछे खींचने की भाई कोशिश ज़रूर से करते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं भाई, उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ना करो। ये चीज़ें करके भी कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को तो कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान के अलावा अपने महादेव के अलावा मेरे को कभी कोई नहीं रोक पाएगा भाई, ये चीज़ लिख के दे दूंगा। बस्ती में रह के तो डेली ब्लॉग करना भी भाई बहुत मुश्किल है, और वो भी इतनी जल्दी चुभती गर्मी में भाई। देखो तुम्हारे बड़े बड़े ब्लॉगर, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जिनको इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिल रहा है ना, वो बेचारे धूप के नाते बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, दस पंद्रह दिन पे एक एक ब्लॉग आते हैं उनके, क्योंकि वो हैं तो अंडर एज भाई, धूप तो लगेगी ना उनको तगड़ी, लेकिन अपन फौलाद इंसान है भाई, धूप ऊप से अपन डरते नहीं है। तुम लोग सपोर्ट बना के रखो, बाकी चलो आयुष को सिखा देते हैं भाई, आयुष हमारा यहाँ पे बैठा है, आयुष को चलवा देते हैं भाई, फिर उसके बाद निकलते हैं अपना KTM लेके फुल पावर। चले आयुष, आयुष की भी छुट्टियां चल रही है, कितने दिन छुट्टी है? ये 17 तारीख तक। 17 तारीख, ये क्या 17 जून? एक महीना छुट्टी था भाई इसका, हमारे स्कूल में एक महीने की छुट्टी भी नहीं होते थे भाई, अब 10-15 दिन छुट्टी देते थे और उसमें भी बुला लेते थे भाई, एक्स्ट्रा क्लास करने आना है ये वो, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ठीक है, चलो ठीक है, एक तरह से एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था भाई, ये हम मानते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को एकदम फ्री नहीं किया जाता था कि ये फ्री हो जाए एकदम, पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक नाता ना रहे, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को ज़्यादा प्रेशर में भी डाल देती थी। खैर छोड़ो, अब जो बीत गया वो बीत गया, बाकी आयुष का तो हमारा छुट्टी है, मौज काट रहा है फुल लौंडा, पूरा फुल मौज काट रहा है भाई अपना। ये मेरा गुल्ली इतना बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे करके, मन कर रहा है इसको छोटा कर दे भाई, कोई डोरेमोन का कोई गैजेट, क्या कौन सा गैजेट था डोरेमोन का जो छोटा हो जाता था जिससे? हाँ, डोरेमोन का लाइट मशीन वाला जो गैजेट था ना भाई, वो मिल जाता मेरे को तो लाइट मशीन से चुई छोटा हो गया छोटा हो गया मेरा इतना प्यारा बच्चा है भाई। अभी देखो सुनो, कभी भी तुम भी बाइक तेज मत चलाओ, ठीक है, और हमेशा हेलमेट भाई, ये चीज़ तो अच्छा है कि हम लोग हमेशा हेलमेट पहनते हैं, तो हमारा भाई ऑलमोस्ट 80% तो हम ही लोग से सीखता है, मतलब घर के छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर बड़ों से ही सीखते हैं, तो तुम लोग कोशिश करो, तुम लोग एटलीस्ट पहना करो हेलमेट वगैरह, ताकि तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं वो तुमसे सीखें। यहाँ आयुष अपनी गड्डी निकाल रहा है, इसको साइड कर दें, हाँ ले आओ ले आओ, बैक ले आओ, सीधा बैक ले आओ, ले आओ ले आओ, आयुष एकदम स्ट्रांग है भाई। बस बस बस, रुको 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 रुको, पहले चाबी लगाओ, फिर ये वाले बटन को दबा के थोड़ा सा एक्सीलेटर लो, फिर गियर चढ़ाओ, फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ो, हाफ करो, आगे चलने लगे। हाँ वेरी गुड, देखो भाई नॉलेज भी है इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस देख के सीख गया, थोड़ा बहुत नॉलेज भी इसे है, मतलब हम लोग को तो देखता ही है, हम लोग को देख के ही सीखा है बेसिकली। चढ़ाओ, एक एक्सेलरेटर कम और क्लच भी थोड़ा थोड़ा, चलो दोनों पैर नीचे ही रखो अभी, हाँ जब चलने लगे तब ऊपर रखा करो, क्लच थोड़ा छोड़ो, हाँ थोड़ा क्लच छोड़ो, थोड़ा क्लच छोड़ो, थोड़ा क्लच छोड़ो, बस बस ब्रेक ब्रेक मारो, हाँ गियर उतार के थोड़ा घुमा लो, पीछे ले चले डायरेक्ट, रुक जा रुक जा, गिर जाओगे गिरोगे नहीं, ये देखो भाई पैर पे भी रोक लेता है, पैर पे रोक लेता है तो भाई समझ लो सीख ही गया। दोनों पैर नीचे ही रखो, दोनों पैर नीचे रखो, हैंडल संभालो बस खाली, हाँ देखे
और हमेशा गाड़ी जब स्टार्ट करो दोनों पैर नीचे रखो, जब एकदम चलने लग जाए मूवमेंट में तब पैर ऊपर करो, क्लच थोड़ा थोड़ा छोड़ो, पीछे आप मत देखो आप आगे ही देखो, चलो ब्रेक मारो। वाह वेरी गुड, चला लोगे पक्का? चलो मैं पैर मैं खींच रहा हूँ पीछे, चलो ठीक 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 बस बस, हाँ हाँ कम सामने देखो कम, तुरंत ऊपर क्यों रखते हो, जब चलने लग जाए तब ऊपर रखो समझे, तुरंत ऊपर मत रखो, जब जब गाड़ी चलने लग जाए तब ऊपर रखो। मारो ब्रेक चलो बहुत सही है, अब बस क्यों और चलाना है, एक राउंड और चलो आ जाओ। तो वही एकदम चला ले रहा है एक राउंड, इसको छोड़ देते हैं। कहाँ से नहीं घुमा मत ले चलो, वहाँ से गिर जाओगे उधर, अच्छा चलो उधर से ही चलो, चलो आ जाओ। लो घुमा घुमा भी ले रहा है भाई, देख लो घुमा भी ले रहा है खुद से, बैलेंस हो ठीक है, और सीधा लेके जाना गाड़ी भी देखना, कार भी है, हाँ ले चलो ले चलो, क्लच हल्का 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 हल्का, बस बस ब्रेक मारो ब्रेक मारो 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 ब्रेक, कहाँ नीचे ले जा रहे हो, गिर जाओ, लड़े आएगा नीचे मत ले जाओ। बदमाश, चलो भाई हो गया बहुत, फंस जाएगा, गिर जाओगे ऐसे, चढ़ के मत उतारो नीचे, अब उतरो इस पे से उतरो, लाओ मैं रख दूँ भाई, लो छोड़ो भाई छोड़ो बाइक छोड़ो ये लो। तो चलो भाई आज थोड़ा बहुत चला लिया, बाकी अब चलो निकलते हैं सीधे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे भाई। तो फाइनली आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे गाइज, एंड भाई निकलने वाले थे जैसे ही घर से, तो मुझे पता ही नहीं था भाई कि हमारा माइक कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब पूरे रास्ते भाई कैमरा ऑन था एंड माइक कुछ आवाज ही नहीं रिकॉर्ड किया। घर पे आने के बाद मुझे पता चला कि माइक हमारा वर्क नहीं कर रहा था, तो अभी जो सुन रहे हो ये वॉइस ओवर है। एनीवेज तो यहाँ से हम निकल दिए घर से, अपना कुछ काम वगैरह कराना था उसके लिए, फिर रास्ते में भाई हमारा एक फियरलेस फैमिली है उसका कॉल आ गया, उसने बोला कि भाई हमारी बाइक खराब हो गई है तो यहाँ पे आ जाओ शोरूम पे बजाज के, उसके बाद से हमने अपनी गड्डी मोड़ ली बजाज शोरूम के साइड पे और बजाज शोरूम हम पहुँच गए। फिर वहाँ पे पहुँच के पता चला भाई वहाँ पे जो वर्कर वगैरह काम करते हैं वो थोड़ा लेट से आएंगे, भाई के बाइक में दिक्कत थी, भाई बता रहा था कि कुछ स्मोक काले स्मोक वगैरह आ रहे हैं एग्जॉस्ट से एंड इंजन ऑयल वगैरह जल गया है ऐसा कुछ भाई बता रहा था। एक भैया थे उन्होंने चैनल का नाम वगैरह पूछा एंड उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, तो सुबह सुबह एक फियरलेस फैमिली और जुड़ चुकी हमसे। फिर वहाँ से हम जैसे निकल रहे थे फिर हमें पता चला भाई हमारे ही बाइक का डिस्पैच जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद से जैसे ही बाइक स्टार्ट किया भाई देख रहा हूँ ऑयल भी ख़त्म है भाई, ये चीज़ पहले नहीं पता चल रहा था, थोड़ा कुछ ग्लिच वगैरह चल रहा है मीटर में हमारे, जिसके वजह से मुझे एग्जैक्टली शो नहीं करता है। तो चलो ठीक है भाई, एक मुसीबत और बढ़ चुकी है कि फ़ोन पे वगैरह वाला फ़ोन लेके नहीं आए थे तो पैसे वगैरह भी नहीं थे हमारे पास। देखो भाई मोटो ब्लॉगर लोग के साथ ये दिक्कत हमेशा होता रहता भाई, धूप में ब्लॉगिंग करने निकलते हैं और एक एक काम उनका ख़राब होता रहता है, तो आज का तो पूरा दिन ही ख़राब था। फिर हम पहुँचे जब अपना काम कराने के लिए, देखे भाई यहाँ पे शॉप भी बंद था, फिर तो पूरा मूड ऑफ हो गया भाई कि अब क्या करूँ, लेकिन एनीवेज फिर हमने डिसाइड किया भाई कि अभी हम जाएंगे घर पे एंड कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद से फिर आएंगे फिर अपना काम कराएंगे सारा। वैसे भी हमारा माइक वगैरह आगे कुछ वर्क नहीं किया है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग से अपना माइक वगैरह ठीक करके प्रॉपर ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करो भाई, तुम्हारा भाई धूप में फुल पावर मेहनत कर रहा है, तो घर पर बैठ के पूरा फुल पावर इन्जॉय करो एंड अपने भाई को पूरा सपोर्ट करो भाई, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।